चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनादुला में जयचंद्र हासनी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही है। मशरूम उत्पादन जीविकोपार्जन का साधन बन चुका है। महिलाएं अब घरेलू कामकाज एवं चूल्हा फूकने तक सीमित नहीं है, महिलाएं सभी जगह परचम लहराने लगी है, चाहे वह अंतरिक्ष हो या शिक्षा, अब संगठित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम बता दें कि ब्लॉक मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनादुला की महिलाओं द्वारा संगठित होकर स्वच्छता समूह का गठन किया गया, जिसमें 10 महिला सदस्यों में कोमल बाई, उमेंद बाई, तारा बाई, सुखवारा बाई, राजकुमार पद्मनी, बरेट ननकी बाई, संतोषी बेरट बरखा बाई और भारती बाई, इन सभी ने मिलकर जयचंद्र हासनी महिला स्व सहायता समूह संगठन बनाकर 3 सालों से अपने निजी खर्चों से घरों में मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। वहीं मशरूम उत्पादन के इनकम से महिलाएं अपने घर परिवार चला रही है, यहां तक कि अपने बच्चों की शिक्षा भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा रही है। प्रतिदिन महिला संगठन द्वारा 20 से 25 किलो मशरूम का उत्पादन होता है, जिसे गांवों व स्थानीय बाजार एवं सब्जी मंडी शहर सकती जाकर 200 से 250 रुपए प्रति किलो में बेचकर आते हैं, जिससे आमदनी महिला समूह की लगातार बढ़ रही है। आज उनके पास बैंक बैलेंस है, जबकि इन महिला संगठन द्वारा किसी प्रकार की सहायता सरकार से नहीं मिली है, ना ही बैंकों से ऋण लिए हैं। इसके बावजूद भी महिला सदस्यों द्वारा हर महीने थोड़ा थोड़ा रकम बैंकों में जमा कर इस राशि से अब 3 सालों से मशरूम उत्पादन कर आय में वृद्धि कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए जीविकोपार्जन का साधन बन रहा है। जांजगीर चांपा से DNX टीवी के लिए अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। पहले आपको तो नमस्ते, मोर नाम उमेंद बरेटे और मैं ग्राम सोनादुला के हूँ, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा, और हमन के समूह के नाम है जय चंद्र हासनी। और पिछले हमन 2013 से हमार समूह बने हैं और हमारा TLN लेप्रोसी मिशन चांपा के SSCG प्रोजेक्ट है जोड़े रही से, और अभी हमन के वर्तमान में जैसे कि 5-6 साल जो हमन ओमन के साथ में समूह के साथ मीटिंग करे हैं सर ओमन के मिल के, और ओमन के जो हमारा बताए रही हैं हमन ओमन के उद्देश्य से चले हैं, तो आज हमन मशरूम उत्पादन करत हन। 3 साल हो गए से मशरूम उत्पादन ला, और हमन सब ग्रुप मिल के बढ़िया करत हन, और हमन के उत्पादन 15 से 20 किलो हो जाते और डेली के होते, और हमन वाला शक्ति मंडी में ले जाके थोक में दे के आ जाते हैं। और आगे मैं ये चाहना कहा था सर कि ऐसी तरह से छोटे छोटे उद्योग धंधा हम सब महिला ला मिल के करना चाहिए, और जो ग्रुप हैं वो मतलब भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं ग्राम सोनादुला से हूँ, जय चंद्र हासनी स्व सहायता समूह से जो पुटू उत्पादन हमन के सदस्य से होते ओमा अच्छा खासा आमदनी हो जाते हमन ला, जेकर से फायदा होते ओकर से हमार परिवार मतलब पालन पोषण हो जाते, मतलब पूर्ति हो जाते जो आवश्यकता पूर्ता सामान होकर लिए, और डेली के 15-20 किलो जो जात होला हमन शक्ति में जाके थोक में बेचत हन। और मैं ये सीख देना चाहता हूँ हमार छत्तीसगढ़ के मल्ला कि ओमन भी कुछ ऐसे करे अपन समूह से कि ओ मल्ला भी अच्छा खासा आमदनी हो और सीख मिले अच्छा से हमार सहायता समूह से। बस कुमार बरेट है, सोनादुला के निवासी हूँ, और यहाँ पुटू उत्पन्न होते यहाँ सोनादुला में जय चंद्र हासनी समूह के द्वारा से सब यहाँ से लेना देना करते सब कोई, और वही 20 रुपया 25 किलो 40 किलो उत्पन्न हो जाते वो हमारे कहूँ को पुटूला ले जावा नहीं पड़े।